तो दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों 1 तारीख से सेकंड काउंसलिंग का आपका प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो बताने आया हूं कि सेकंड काउंसलिंग का आपका कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज का, कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज का कितना कितना जाने वाला है। ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ सेकंड काउंसलिंग के अनुसार बताने आया हूँ, ताकि आप सभी को पता चले कि इतना नंबर जाने वाला है, तो क्या आपको सेकंड काउंसलिंग में भी एडमिशन होगी कि नहीं होगी, ये सारी बातों को आपको बताने आ चुका हूँ। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अकादनराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये राज तो जो डाटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कट ऑफ ये है जो रैंक है गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज का, ये तो है जो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जारी किया गया था ललित नारायण के द्वारा, मैं उसी को भी बता रहा हूँ। दोस्तों मैं इसी को एनालिसिस करके बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जितना भी सीट फुल हुआ है, तो मैं कल का वीडियो में बताया था और परसों पेपर में अपडेट किया गया था कि टोटल मात्र फर्स्ट काउंसलिंग के थ्रू 15,400 समथिंग सीट फुल हुआ है, यानी कि लगभग मान लेते हैं 16,000 सीट फुल हो चुकी है, यानी कि अभी भी आपका 20,000 सीट खाली है। तो इस 20,000 सीट को फुलफिल करने के लिए सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है कल से। तो सेकंड काउंसलिंग का जो कट ऑफ है, तो सभी कॉलेज अपना अपना जारी करेगी। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, दोस्तों तो इसी बीच अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मारना, अपने दोस्तों का व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ दोस्तों, आपको मेरे स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप थ्रू मैसेज करके बिहार बीएड या बिहार डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड पल पल के बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ जाइए, आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ पर मैंने ग्रुप भी जहाँ पर मैंने अब व्हाट्सएप ग्रुप बना चुका है, यहाँ पे गर्ल्स का, बॉयज का, बीएड का, डीलेट का ग्रुप अलग है, तो आप उस ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। तो जाइए दोस्तों, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों बातें आगे, तो हो सके तो आप सबके लिए बुरी खबर है कि सेकंड काउंसलिंग का जो कट ऑफ है जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का, वो हो सके तो जो जारी किया गया था पहला फर्स्ट काउंसलिंग, उससे भी हाई जाने वाली है, 2 नंबर या 3 नंबर जो है, जो भी आपका रैंक है या जो भी आपका CML रैंक है, वो सभी रैंक से 2 नंबर 5 नंबर या 10 नंबर तक आगे जा सकती है। क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ आखिर ऐसा क्यों। दोस्तों जितने भी कैंडिडेट हैं, वो लोग हैं अधिकतर, वो सभी लोग सोच रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो वो सभी लोग अधिकतर क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज का नाम डाल रहे हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज का नाम नहीं डाल रहे हैं। इससे एक एनालिसिस किया गया है कि टोटल जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लगभग वो 80% कैंडिडेट्स हैं, वो सभी लोग गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की ओर भाग रहे हैं। इस कारण हो सके तो जो आपको सेकंड काउंसलिंग आने वाली है, तो सभी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ है पहले से ज़्यादा हाई करने वाला है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पहला जो कट ऑफ जारी किया गया था, रैंक जारी किया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर CML रैंक जो सभी कॉलेज के अनुसार, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉलेज आपका है गवर्नमेंट वोमेंट कॉलेज जो पटना का है, गर्दनीबाग जो पटना का, वहाँ पर जो गवर्नमेंट वोमेंट कॉलेज है उसका जो CML रैंक है, और आप देखते हैं यहाँ पर UNRS जो रैंक होता है वो रैंक, और यहाँ पे कैटेगरी रैंक, ये सभी रैंक के अनुसार तो हो सके तो जो सेकंड काउंसलिंग का है वो उसको हाई ले जाएगा। यानी कि दोस्तों सपोज मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो आपका CML रैंक है ये 1383, यानी कि 1383 जिनका CML रैंक आया, उनको आसानी से ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन हो सके तो अब क्या होगा, इसको और भी हाई किया जाएगा, यानी कि 1383 को और भी आपके हाई कर दिया जाएगा। तो हो सके तो आपको कर दिया जाएगा 1400 कर दिया जाएगा, या तो 1450 कर दिया जाएगा, या 1415 कर दिया जाएगा, तो आपको हाई और कर दिया जाएगा ये ग्राफ को, या ये जो रैंक है या जो भी आप बोल सकते कट ऑफ, इसको कट ऑफ को और आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों ये थी, तो आपको अपने नंबर के अनुसार जितना भी आपका नंबर आया है, तो उस नंबर के अनुसार हो सके तो आपको सेकंड काउंसलिंग में प्रॉफिट भी हो सकती है या लॉस भी हो सकती है। जो भी अपडेट न्यूज आएगी मैं आपको बता दूंगा अपने चैनल के थ्रू। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी आपका कैटेगरी के अनुसार दिया गया था, BC, EBC, SC, ST, WBC, EWS, ये सभी का इस बार भी सेकंड काउंसलिंग का भी इसी तरह से लाया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ बढ़ोतरी होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मारना, अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और इस तरह दोस्तों अपना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से बन जाएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों जो नंबर दिया गया उस नंबर पर आप मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।